औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स कॉल्ड द रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अगर हम बात करेंगे कि योगा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट्स रिलेटेड टू चाहे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, टू सम एक्सटेंट वी थिंक इन द राइट वे कि योगा हैज वेरी मच इम्पॉर्टेंस एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। But the role of yoga in supports, directly or indirectly, it is related to kamas and supports. Yoga has very much importance because it's beneficial for our health. It's beneficial for our health, beneficial for the fitness of a supports person. Yeah, it also improves मतलब health, fitness, various practices जैसे कि yama, nayama. यमा एलिमेंट एंड क्या नयामा एलिमेंट इज रिलेटेड टू, एक तो वायलेंस, दूसरा नयामा इज रिलेटेड टू अवर बॉडी। या आसनाज, आसनाज आर रिलेटेड टू डिफरेंट पोज एंड पोस्चर्स। प्राणायामा, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, प्राणायामा एंड मेडिटेशन इम्प्रूव द हेल्थ एंड फिजिकल फिट। इट ऑल्सो गिव्स अस द पीस ऑफ माइंड। अगर हम वेरियस इफेक्ट्स ऑफ योगा देखेंगे ऑन गेम्स एंड सपोर्ट्स, इन सपोर्ट्स में क्या पहला होता है कि इट इम्प्रूव द कंसंट्रेशन पावर। द कंसंट्रेशन पावर हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस। द प्रेजेंस ऑफ माइंड हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस इन गेम्स एंड सपोर्ट्स। कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अप्रोक्सिमेटली अगर हम देखेंगे गेम्स एंड सपोर्ट्स में इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट मच मोर इम्पोर्टेंस है कंसंट्रेशन। इफ वी आर नॉट प्रेजेंट माइंड, इफ वी डिड नॉट मेक गुड कंसंट्रेशन, then that is very much difficult for us to improve our performance. अगर हम बैडमिंटन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बैडमिंटन प्लेयर की बात करेंगे, इफ ही हैज अ वेरी गुड टैक्टिक्स ही कैन परफॉर्म द गुड शॉट्स, बट इफ ही डिड नॉट तो टैक्टिक्स या स्किल प्रोड्यूस की जरूरत होती है, बट इट नीड्स मच मोर कंसंट्रेशन फोकस ऑन ए स्मॉल बैडमिंटन कॉक रॉकेट कॉक पे। नंबर टू, इट इंक्रीज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम देखें प्राणायामा इज एन एलिमेंट दैट इज कंप्लीटली डिवोटेड टू द इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रिटेनिंग जिसको बोलते हैं, मतलब क्या, इट्स ऑब्जर्वड दैट वन वी यूज 1/6 ऑफ आवर लंग कैपेसिटी, बट इट्स कंप्लीटली इम्पॉर्टेंट टू हैव द एक्टिविटी, टू हैव द एलिमेंट, टू हैव द यूज ऑफ एलिमेंट प्राणायाम। द लंग कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड, विच इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर सपोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी। रिसर्च शोज दैट द प्राणायाम इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर स्विमर्स। वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राणायाम, ऊजा, शीत्र, एनहेंस द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो इंक्रीज द पावर एंड वाइटल एयर कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। को सिंपली प्राणायामा की वेरी मच इम्पोर्टेंस है। इट ऑल्सो गिव्स अस द मेडिटेशन प्राणायामा को, इट इंक्रीज द रेस्पिरेटरी, इट इंक्रीज अवर इनहेलेशन पावर, इट इंक्रीज अवर रिटेनिंग पावर। नंबर थर्ड, दैट इज कॉल्ड द इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ अवर स्किल। रिसर्च हैज शोन दैट द योगिक डिफरेंट एक्सरसाइजेस, द डिफरेंट योगिक पोजेस, पोस्चर्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर लिगामेंट्स, कार्टिलेज टू बियर मैक्सिमम स्ट्रेस। The yogic exercise also increase the flexibility of our joints. Flexibility bhi change karte hai. Benefits, the yogic exercise are generally in gymnastics, diving, swimming. In sab mein kya, it increase the ligaments, joints ki improvement. Or the different pose improves and makes much more flexible our joints, muscle. Number four, prevent supports injuries. Supports persons have a tendency to get injured. Such as sprain, strain, या muscle cramp हो जाता है या rupture आ जाता है, तो such injuries can be prevented by the different yoga asanas. Therefore, yoga asanas should be performed during warm-up conditioning period. Because simply, there is very much importance to prevent the different kinds. इससे warm-up भी हो जाता है, limiting down में भी ये सब हो जाता है, जब when we have the proper knowledge of yoga. Number five, that's called improvement in motor skills. Motor skills plays an important role in performance in supports and game. While learning a motor skill
it develops attention. Commonly learner. But yoga practices relaxes the learner. When we have a proper knowledge, when we easily understand and accurately, effectively understand the learning skill, then it can improve the different kind of skills that are related to our body. Number 5, improvement in cardiovascular efficiency. अगर हम बात करेंगे डिफरेंट योगा प्रैक्टिस की, जैसे कि प्राणायाम इंप्रूव्ड अवर कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी या रेस्पिरेटरी सिस्टम. वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम सच एज उजया, कपालता, बरास्त्रा. रिसर्च शोज दैट इंडिकेट्स प्राणायाम इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिट. इवन इंडिविजुअल प्रैक्टिस इज रेगुलर एंड प्रोलॉन्ग्ड, देन इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर गेमर्स एंड सपोर्ट्स टू इम्प्रूव टू परफॉर्म दीज, बिकॉज इट इम्प्रूव्स. As far as we have seen, both psychologically or physiologically bhi effect hai yoga. Hum dekh sakte hai ki yoga is beneficial, it improves or maintains general health and physical fitness. World Health Organization, health for all, because it prevents, cures various diseases and other numbers. It has very much importance in our day-to-day life and in gamers and supports.